सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, घर में रखे हजारों रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवरात किए चोरी। ग्रामीण बोला 22 अप्रैल को होनी है बेटी की शादी। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के परीक्षा आहिर गांव में दो चार ने दिन दहाड़े एक ग्रामीण के सोने मकान को निशाना बनाते हुए घर में रखे हजारों रुपए और सोने चांदी के आभूषणों को चोरी कर ले गए। पीड़ित ग्रामीणों के इसकी शिकायत पोहरी थाने में दर्ज कराई है। परीक्षा आहिर गांव वाले नेता बाथम पुत्र रामस्वरूप बाथम ने बताया कि आज शुक्रवार को वह करीला के मेला गया हुआ था। उसके परिवार के अन्य सदस्य फसल काटने खेत पर गए हुए थे। घर पर ताला डाला हुआ था। आज दोपहर दो चोर बाइक पर सवार पहुंचे, जहां उनके द्वारा घर के कमरे का ताला तोड़कर बक्से में रखे 40,000 रुपए नकदी और चांदी की पायल, करधौनी और मंगलसूत्र चोरी कर ले गए। नेता बाथम ने बताया कि बाइक सवार चोरों को घर से जाते एक बच्चे ने देखा था। साथ गांव के सीसीटीवी में भी दोनों बाइक सवार चोर कैद हुए हैं। नेता बाथम का कहना है कि उसकी बेटी की शादी 20 अप्रैल को होनी है। बेटी की शादी के लिए घर में पैसे व जेवरात रखे थे, जिन्हें चोर चोरी कर ले गए। पीड़ित ग्रामीण की शिकायत पर पोहरी थाना पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नेता बाथम। कहाँ के हो? परीक्षा। क्या मामला हो गया जो आप आवेदन देने आए हैं? ये मामला है सर, मोड़ा मोड़ी गई गेहूँ काटने के लिए। मैं करीरा के मेरा गाँव और 3 बजे मेरी चोरी हो गई। क्या क्या चोरी हो गया? 40,000 रुपये थे और करदोनी थी, पायल थी, मंगलसूत्र था। घर में कोई शादी वादी भी है तुम्हारे? शादी थी, बच्ची की शादी थी। कब की शादी है? 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल की शादी है, उसी चक्कर में ये सामान लेके रखा था? सामान लेके रखा था। सीसीटीवी में भी कुछ नजर आए लोग? आए सर, गाड़ी पे आए। गाड़ी पे आए? हाँ। आवेदन दे दिया थाने में? हाँ दे दिए सर।